नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकर ये काफ़ी खुशी होने वाली है कि आपका फेवरेट सीजन यानी कबूल है सीजन 2 आप लोगों के बीच में जल्द आ रहा है। लेकिन कुछ बदलाव इसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे आप लोगों के बीच में, जो कि बदलाव भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी ट्विस्ट भी आने वाला है। जैसे कि आपने कबूल है सीजन 1 में कुछ अलग चेहरे भी देखे थे, क्योंकि करणवीर बोरा जैसे भी आपने देखे थे जो कि सीजन 1 का हिस्सा रह चुके। लेकिन अब सीजन 2 जो आ रहा है इसमें करण सिंह बोरा नहीं बल्कि करण सिंह ग्रोवर ही नज़र आने वाले हैं। आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सीजन 1 में करण सिंह ग्रोवर की जगह सुरभि ज्योति एक अहम और एक मुख्य किरदार में दिखाई दी थी, जो कि लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया था। और जीटीवी मेकर्स ने ये बहुत जल्दी डिसाइड किया है कि कबूल है सीजन 2 आप लोगों के बीच में एक बार फिर से दिखाई देने वाला है, क्योंकि अभी तक टेलीविज़न की इंडस्ट्री में ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि जो सीजन काफ़ी हिट हैं वो सीजन दोबारा दिखाए जाएंगे। लेकिन करणवीर बोरा को भी आपने सीजन 1 में देखा था, अब उनकी सीजन 2 में वापसी नहीं होने वाली है। हालांकि मुख्य चेहरे तो इसमें काफ़ी दिखने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य चेहरे हैं वो करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति, जो कि मिस जोया फारूकी का किरदार निभा रही थी और मिस फारूकी के नाम से ही वो फिर से धोई थी जो कि कबूल है में। और मिस खान को आप समझ रहे हैं मिस्टर खान जो कि आपको पता मिस्टर असद अहमद खान की जो भूमिका निभा रहे थे करण सिंह ग्रोवर की बात करते हैं, उनका लुक की बात करें काफ़ी अच्छे टेलीविज़न का अच्छे चेहरे में से शुमार है, जो कि लोग उनको काफ़ी अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की बात करें तो लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। अब उनकी पसंद की एक चीज़ और है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि करण सिंह ग्रोवर ने सीजन 1 में जिस तरीका की एक भूमिका निभाई थी, क्योंकि फैमिली को भी वो साथ लेके चले थे, वहीं साथ के साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि इसमें और भी काफ़ी मुख्य चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा कि करण सिंह ग्रोवर के साथ साथ में इसमें सुरभि ज्योति ने भी एक अहम और एक मज़ेदार भूमिका निभाई थी। हालांकि कबूल है सीजन वन में हुआ क्या था कि साजिश पे साजिश चली गई थी, जो कि करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति का जो एक मिलन होना चाहिए वो प्रॉपर मिलन नहीं दिखाया गया, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि एक अलग तरीका से दिखाया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि साजिश पे साजिश चली गई थी। इसमें साजिश चलने वाली काफ़ी और भी थे, जैसे कि आपने इनको देखा होगा इन चुड़ैल सीन का भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन कबूल है सीजन 1 में हुआ क्या था कि सीजन 1 में असद अहमद खान की जो भूमिका निभा रहे थे करण सिंह ग्रोवर, उनकी फैमिली बहुत अच्छी दिखाई गई इसमें, जो कि लोगों ने उनकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट भी किया और काफ़ी पसंद भी किया। तो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी सीजन 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजन 2 में भी मुख्य बदलाव आपको मैंने बता दिया कि सीजन 1 के ही मुख्य चेहरे इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि करण सिंह ग्रोवर सुरभि ज्योति। इसकी शूटिंग की बात करें तो इसकी शूटिंग अगले महीने से शूटिंग इसकी स्टार्ट होने वाली है, जो कि आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी इसकी शूटिंग के कुछ मोमेंट्स भी मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी आने वाले की, तो ये जो सीजन 1 जीटीवी पर आया था सीजन 2 भी आपको जीटीवी पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजन 2 भी काफ़ी सुपरहिट होने वाला है। और सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 में एक अलग अच्छी तरीका से दिखाया जाएगा, जो कि जी टीवी का सबसे पॉपुलर शो में से गिने जाने वाला शो भी होने वाला है। जब तक सीजन 1 भी रहता था टीआरपी के मामले में कबूल है नंबर 1 की रेटिंग में रहता था और टीआरपी बहुत अच्छी रही थी इस कबूल है की, लेकिन सीजन 2 में इसकी काफ़ी अच्छी सुनने में आ रहा कि जिस तरीका से स्टोरी सुनने में आ रही है इसकी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि करण सिंह ग्रोवर की बात करें तो करण सिंह ग्रोवर काफ़ी अच्छे एक्टर में से शुमार है और उनके साथ में फिलहाल तो सुरभि ज्योति भी नजर आने वाली है, तो ये सीजन हिट होने वाला है।